नमस्कार, स्वरमय टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग दिस मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ लक्षिका। एनडीए के 48 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सांसदों से गरीबों के लिए काम करने को कहा। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन मजबूरी में किया गया है और किसी भी विपक्षी सांसद को इंडिया का मतलब नहीं पता। इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने सांसदों से अपने क्षेत्रों में रहने को कहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने की सलाह भी दी है। हरियाणा के नूह में हो रही हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान कर दिया है। कई इलाकों में प्रदर्शन भी हुआ। इन रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा, अधिकारियों को आदेश दिया कि रैलियों के दौरान हेट स्पीच और हिंसा न होने दें। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करें। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।